तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये एम आई लिखा हुआ है, ये भी आया है डेड बनने के लिए, शॉप से रिटर्न है। तो अभी देखते हैं एम आई लिखा हुआ है। देखो रिस्टार्ट हो गया, चालू भी हो गया, ठीक है। इसका पासवर्ड तो हमें पता नहीं है। ठीक, तो एक बार फिर से चालू करते हैं। अभी एक बार चालू हो गया, ठीक है, दोबारा फिर से चालू करके देखते हैं। एमआई दिखा रहा है, ये देखिए ब्लू ब्लू स्क्रीन आ गया, ठीक है। कभी चालू होता है, कभी ब्लू स्क्रीन आता है, ठीक है, कभी सिर्फ चार्जिंग ही ब्लिंक करते रहता है। तो ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है और ये सीपीयू से प्रॉब्लम आता है, ऐसा प्रॉब्लम। कभी वो फर्मवेयर को रीड करता है, कभी नहीं करता है, इस टाइप से प्रॉब्लम होता है। रिस्टार्ट भी हो गया, ये देखो खुद ही रिस्टार्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप से प्रॉब्लम आता है। तो इस कंडीशन में, इसके सॉल्यूशन में हम पहले इसका पीएमआई और पावर दो रिवॉल्व करेंगे। अगर दोनों को रिवॉल्व करने से काम नहीं बनता है तो फिर सीपीयू को रिवॉल्व करना पड़ेगा। सीपीयू रिवॉल्व करने से फ्लैश आईसी भी रिवॉल्व करेंगे पहले, फिर सीपीयू में हाथ लगाएंगे लास्ट, ठीक है। तो ये इस काम के लिए पड़ा हुआ है, ये देखिए मतलब आया है अभी। एक तो आज करके दिखाया आपको, ठीक है, एक तो अभी और रखा है, इसमें भी प्रॉब्लम है। तो ये सब डेड के ही केस में माने जाते हैं, ओपन सर्किट। तो चलिए आप देखिए, यहाँ पर मैं जो है अभी सबसे पहले पीएमआई रिवॉल्व करने वाला हूँ। मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये सीपीयू से भी प्रॉब्लम आता है और पावर आईसी पीएमआई से भी आता है। अब एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले हम पीएमआई पे काम करते हैं, क्योंकि चार्जिंग का जो इसमें इशू बनता है कि कभी ब्लिंकिंग करता है। तो पीएमआई अगर सही से वोल्टेज नहीं देगा तो पावर आईसी को नहीं मिलेगा, और पावर आईसी को सही से वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर वो सीपीयू को नहीं देगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसमें चालू करना होता है। सबसे पहले हमें पीएमआई रिवॉल्व करना होता है, फिर पावर आईसी, फिर उसके बाद फ्लैश आईसी, क्योंकि ये फर्मवेयर उसी से लेके चालू करता है, तो उसके बाद सीपीयू में करना होता है। तो ये वीडियो में आप देखिए आराम से, मैंने ये कैमरा सेट कर दिया है और मैं ये आपको क्लास में, बाकी स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं तो मैं लाइव कर रहा हूँ, तो आप देखिए। और ये सिर्फ समझने के लिए वीडियो है, ऐसा कुछ इसमें मतलब वीडियो के माध्यम से ऐसा कुछ बोलना नहीं है, बताना नहीं है। मतलब स्टूडेंट को बोलते हैं कि आप जो है स्टेप बाय स्टेप काम कीजिए और ये जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, मैं इस वीडियो में इसका पीएमआई निकाल के रिवॉल्व करूँगा और लास्ट में चालू करके देखूँगा कि एक बार में चालू होता है कि नहीं होता है। और जैसे भी होगा, अगर इसकी कई सारी आईसी रिवॉल्व करनी पड़ेगी तो वो भी हम रिवॉल्व करेंगे, और एक ही में अगर रिवॉल्व करने से काम हो गया तो ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे कैसे रिवॉल्विंग करना है, पहले पीएमआई, पीएम, फ्लैश आईसी, फिर उसके बाद सीपीयू। तो ये लूज कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम है, जिसे ओपन सर्किट बोलते हैं। मतलब कभी आईसी डिटेक्ट करता है, आईसी को जब प्रॉपर पावर मिलता है तभी वो काम करती है, और प्रॉपर पावर ना मिलने से फिर काम नहीं करती है, ठीक है। तो आप देखिए वीडियो को ध्यान से, और ये सिर्फ समझने के लिए ही वीडियो बनाया गया है, ठीक है, ओके। आप कंटिन्यू ध्यान से देखिए, अब मैं इसमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ। और अभी क्या है, ये मैं वॉइस ओवर करके आपको बता रहा हूँ जानकारी के लिए कि इस टाइप से इसमें इसमें ऐसे काम करना हमें रहता है, ठीक है, ओके। तो आप स्टेप बाय स्टेप लास्ट देखिए कि मोबाइल का लास्ट में रिजल्ट क्या मिलता है। और हम क्लास में हमेशा स्टूडेंट को बोलते हैं कि हमें किसी काम को स्टेप बाय स्टेप करना है, और आईसी रिवॉल्विंग का काम हमें ज़रूर करना है, क्योंकि एक छोटी सी हमें इसमें कुछ आईसी तो लगाना नहीं है, उसी आईसी को रिवॉल्व करके दोबारा डालना होता है। और अगर हम आईसी को रिवॉल्व करके नहीं डालेंगे तो उससे डेड रहता है, और इससे मतलब फिर लोग क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड से फॉल्ट है, रिपेयर नहीं होगा। तो इसलिए आईसी रिवॉल्विंग हमें आना चाहिए। तो देखिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा देता हूँ। ये आईसी निकाल लिया था हमने, अब आईसी को रिवॉल्व कर लेते हैं। और आईसी रिवॉल्व करने के बाद इसको हम इसमें बैठाएंगे, तो
जब आप आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं और आईसी क्लीन कर रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर का विशेष ध्यान देना होता है। तो टेम्परेचर की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास में बताई गई हैं, और सभी स्टूडेंट को हम यही बोलते हैं कि आईसी रिवॉल्विंग का प्रैक्टिस खूब अच्छे से कीजिए, क्योंकि आजकल के हैंडसेट में आईसी का प्रॉब्लम आते रहता है, और क्योंकि आईसीओं पर लोड बहुत ज़्यादा रहता है, हैवी उसमें वर्क दे दिए गए हैं, तो इसलिए आईसी में मॉइस्चर की समस्या, गिरने से लूज कॉन्टेक्ट की समस्या आती रहती है। तो इसे क्लीन करके जल्दी से हम इसको रिवॉल्व कर लेते हैं। क्लीन हो गया है, और क्लीन हो जाने के बाद इसको अभी यूनिवर्सल स्टेंसिल से आप रिवॉल्व कर सकते हैं। और हम स्टूडेंट को ये भी बोलते हैं कि आईसी रिवॉल्विंग के लिए कोई ज़्यादा महंगा इंस्ट्रूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती है, माइक्रोस्कोप है तो ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में मैग्नीफायर से भी किया जा सकता है। तो और यूनिवर्सल स्टेंसिल आती है, उसी से काम किया जाता है, 200-250 रुपये का मिलता है। तो कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में सोचते हैं कि इतना सारा महंगा महंगा इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं रहता है। आप मेहनत अच्छे से कीजिए, कम संसाधन में भी आप कर सकते हो। देखिए, ये हमने आईसी रिवॉल्व कर दिया, और अभी आईसी रिवॉल्व करने के बाद मैं इस आईसी को इसमें लगा देता हूँ, और आईसी लगाने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाऊंगा। पहले चेक करूंगा कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और उसके बाद फिर जो है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसके बाद पावर आईसी, और फिर उसके बाद फिर फ्लैश आईसी, फिर सीपीयू का नंबर आएगा। तो अब लूज कॉन्टैक्ट की जो समस्या होती है ज़्यादातर पीएमआई से होती है, तो इसलिए सबसे पहले मैंने पीएमआई को किया। स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना होता है, तो ये जो है स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं प्रोसेस को कर रहा हूँ, और आप भी इसी तरीके से आप सभी लोग कीजिए, और 100% जब आप 2-4 हैंडसेट पर आईसी लगा लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर आपको आईसी निकालने में लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं अभी बहुत सारा वीडियो आप लोगों को देने वाला हूँ प्रैक्टिकल का, और आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और हमें मोटिवेशन मिलते रहेगा, तो हम टाइम निकाल करके वीडियो ज़रूर बनाते रहेंगे, और आप सबको बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। और जो अगर कोई यूजर नए देख रहे हैं तो अगर वो ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारा फेसबुक पेज है, यूट्यूब, टेलीग्राम सभी है, तो वहाँ हर जगह जाके आप हमें वेरीफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, और उसके बाद आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे आईसी बैठा दिया है, और अब जो है जैसे ये थोड़ा ठंडा हो जाता है मदरबोर्ड, फिर हम इसको इसमें फिट करके जो है चालू करके देखेंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और उसके बाद जैसे ही ठंडा होता है फिर हम इसको इसमें जो है चालू करेंगे। तो जब आईसी थोड़ी ठंडी हो जाती है तभी थिनर वगैरह डालिए। देखिए, मैंने थोड़ा वेट करने के बाद जब आईसी थोड़ा ठंडी हो जाती है तो फिर हमने इसमें थिनर डाला। तो कुछ लोग क्या है गरम गरम में ही डाल देते हैं, तो उसमें आईसी ख़राब होने का डर रहता है। ठीक है, तो ठीक है अभी ये ठंडी हो चुकी है, और इसको मदरबोर्ड में फिट कर लेते हैं। हमने कैमरा 2 इसलिए सेट किया है कि आप देखते रहिए कि हम कैसे काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माइक्रोस्कोप में जो काम हो रहा है वो भी दिखते रहेगा। तो ये सभी चीज़ों को दिखाने के लिए ही सेट किया है, बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है, बस आपके मोटिवेशन के लिए डालते हैं, और आप कमेंट और लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमारे चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें और CBM के बारे में भी जानें, और जो लोग अपना करियर इस फील्ड में बनाना चाहते हैं वो लोग आएँ, CBM को ज्वाइन करें, और उनको 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक सभी ट्रेनिंग कम फीस में दी जाती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सीख के गए हैं, अपना अपना काम भी कर रहे हैं, और हम उन लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। तो देखिए हमने ये पूरा फिटिंग कर लिया है, और जो है अब इसको मैं जो है चालू कर लिया हूँ, और देखिए ये डिस्प्ले आ गया है। तो इसे एक बार मैं रिस्टार्ट करके भी देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें मतलब 1-2 बार चालू करने से प्रॉब्लम होता था, तो इसको मैं 1-3 बार रिस्टार्ट करके देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि नहीं हो गया है। ये अभी मैंने रिबूट कर दिया है और अब दोबारा ऑन हो रहा है, तो देख लेते हैं कि दोबारा ये प्रॉपर चालू होता है
या फिर किसी तरीके का ब्लू स्क्रीन इसमें फिर से आता है, ये देखिए। ठीक है, तो अभी जो है ये ठीक है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और चार्जिंग भी लगा हुआ है, चार्जिंग भी हो रहा है। जो अब उसका आइकन इतना छोटा है कि नहीं दिखा जा सकता है, बाकी ये हो रहा है, मैंने चार्जिंग केबल लगा दिया है, अब चल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का।